नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं पीके सर उपस्थित हूँ आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो प्रश्न एकादशी 25 है। यह सामान्य हिंदी से संबंधित है। इस एकादशी में यूपी टेट, यूपीएसआई, सुपर टेट, ट्रीट, टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 11 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है एवं उनकी व्याख्या भी आपको दी जाएगी। तो आइए बात करते हैं प्रश्न एकादशी 25 पर। प्रश्न एकादशी 25 का पहला प्रश्न है, महीष में संध है। संधि पूछी गई है, महीष में संध है, दीर्घ, गुड़, यड़, व्यंजन। तो महीष में दीर्घ संध है, विकल्प ए सही है। महीष में दीर्घ संध है, महीष का विच्छेद होगा मही धन ईश, मही धन ईश, अर्थात मही का अर्थ होता है पृथ्वी और ईश का अर्थ होता है स्वामी। महीष का अर्थ होगा पृथ्वी का स्वामी अर्थात राजा। महीष राजा का पर्यायवाची है, इस प्रकार पहले प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, अल का अर्थ नहीं है। अल का अर्थ नहीं है पूछा गया है। सखी है, पर्वत नहीं है, बिच्छू है, भौंरा है। तो अल का अर्थ नहीं है पर्वत, बी विकल्प सही है। अल का अर्थ नहीं है पर्वत नहीं है। अल का अर्थ सखी भी होता है, अल का अर्थ बिच्छू भी होता है, अल का अर्थ भौंरा भी होता है। अल अनेकार्थवाची शब्द है। इसके अलावा अल का अर्थ कोयल भी होता है, अल का अर्थ होता है कोयल। अल का एक अर्थ कौवा भी होता है, अल का अर्थ क्या होता है कौवा भी। अल का एक अर्थ और होता है, अल का एक अर्थ कुत्ता भी होता है, अल का अर्थ क्या होता है कुत्ता। एक अल का अर्थ और है शराब, क्या शराब, अल का अर्थ शराब। अल के इतने अर्थ आपको पता लगे, दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। अल का अर्थ नहीं है, अल का अर्थ नहीं है पर्वत। अल का अर्थ है क्या सखी, अल का अर्थ है बिच्छू है, भौंरा है, कोयल है, कौवा है, कुत्ता है और शराब। दूसरे प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न। प्रश्न एकादशी का तीसरा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। तीसरा प्रश्न है, अभी अभी स्नान किया हुआ। इसके लिए एक शब्द आपको ढूंढना है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। स्नात, शीघ्र स्नात, सद्य स्नात या अद्य स्नात। तो अभी अभी स्नान किया हुआ, इसके लिए एक शब्द होगा सद्य स्नात। तीसरे का सी विकल्प सही है। सद्य स्नात का अर्थ होता है जिसने अभी अभी स्नान किया हो। और जिसने अभी अभी स्नान किया हो ऐसी स्त्री के लिए आएगा सद्य स्नाता। इस पर आ का डंडा लग जाएगा, सद्य स्नाता, जिसने अभी अभी स्नान किया हो। और जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो उसके लिए एक शब्द आता है सद्य प्रसूता। क्या आता है सद्य प्रसूता, जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो उसे कहते हैं सद्य प्रसूता। इस प्रकार तीसरे प्रश्न का सी विकल्प सही है, सद्य स्नाता। अभी अभी स्नान किया हो पुरुष सद्य स्नाता, स्त्री सद्य स्नाता, पुरुष सद्य स्नात, और जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया हो सद्य प्रसूता। तीसरे का सी विकल्प सही है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, चौथा प्रश्न, करमुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाए, पीठ दिए निधरक लखे एकटक दीठ लगाए। बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है, बिहारी लाल का दोहा है। करमुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्योपाए, पीठ दिए निधरक लखे
एकटक दीठ लगाए। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में रस कौन सा है? रस पूछा गया है, हास्य रस, संयोग श्रृंगार, विप्रलंब श्रृंगार, करुण रस। तो पहली बात तो ये कि बिहारी का ग्रंथ बिहारी सतसई मूलतः संयोग श्रृंगार रस का ग्रंथ है। दूसरी बात, अब इसमें विकल्प आया है, श्रृंगार रस का ग्रंथ है, विकल्प आया है संयोग श्रृंगार और विप्रलंब श्रृंगार। संयोग और विप्रलंब श्रृंगार रस के दो भेद हैं। मूलतः बिहारी का ग्रंथ श्रृंगार रस का है। अब श्रृंगार रस के भी दो भेद हैं, संयोग और वियोग। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा रस है, हास्य रस है या संयोग श्रृंगार है या वियोग श्रृंगार है या करुण रस है। तो कर मुदरी की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निदरक लखे एकटक दीठ लगाए। रस को बताने के लिए पहले हमें इस दोहे का अर्थ मालूम होना चाहिए। कर मुद्री, हाथ में पहने जाने वाली मुद्री अर्थात हाथ की अंगूठी। आरसी, आरसी का अर्थ होता है वह अंगूठी जिसमें शीशा जड़ा हो, या आरसी का अर्थ होता है दर्पण या शीशा। प्रतिबिंबित, दिखाई दे रही है। प्यो, प्रियतम, प्यो का अर्थ क्या है, प्रियतम, पत या प्रेमी। पाय, पाकर। पीठ दिए निधरक लख है, पीठ दिए, पीठ देकर बैठी हुई है, और निधरक निश्चिंत होकर बेधड़क, लख है देख रही है, एकटक एकटक लगाकर, दीठ लगाए दृष्टि लगाकर, दीठ लगाए दृष्टि लगाकर। नायिका बेधड़क होकर नायक को अपनी चातुरी के साथ देख रही है। तो दूसरी सखी क्या कहती है, बिहारी लाल लिखते हैं, इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि हाथ की अंगूठी के दर्पण में अर्थात नग में जो दर्पण लगा हुआ है उसमें, हाथ की अंगूठी के नग में या दर्पण में प्रियतम का प्रतिबिंब देखकर, अंगूठी पहने हुए हैं, अंगूठी में शीशा लगा हुआ है, शीशे में प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है पति का, प्रियतम का। नायक की ओर पीठ किए हुए बैठी नायिका एक टक दृष्टि से, बेखटके से उसको देख रही है, अपने प्रियतम को। कहने का आशय यह है कि उसे इस बात की कोई शंका नहीं है कि मुझे प्रियतम को देखते हुए कोई देख रहा है। अर्थात इसका आशय यह है कि अपनी हाथ की अंगूठी में लगे हुए नग में प्रियतम को देख रही है और प्रियतम की तरफ पीठ करके बैठी हुई है। अब उसे ये लगता है कि हम अपने प्रियतम की ओर पीठ किए हुए बैठे हैं, कोई नहीं जानता कि हम प्रियतम को देख रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में जो अंगूठी है उसमें जो नग लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, उस शीशे में अपने प्रियतम को देख रही है। तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार है, अर्थात नायक और नायिका दोनों पास पास हैं, इसलिए इस पंक्ति में, इस दोहे में संयोग श्रृंगार है। बिहारी ने मुग्धा नायिका का वर्णन यहाँ किया है, तो बी विकल्प सही है। चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है। कर मुद्री की आरसी प्रतिबिंबित प्यो पाए, पीठ दिए निधरक लखे एकटक दीठ लगाए। हाथ की उंगली की मुद्री में, अंगूठी में लगे हुए शीशे में अपने प्रियतम के प्रतिबिंब को देखकर निश्चिंत होकर बैठी है और लगातार एक टक निर्निमेश प्रियतम को देखती जा रही है, और उसे लगता है कि मैं प्रियतम को लगातार देख रही हूँ और ऐसा किसी को पता नहीं है। तो चौथे प्रश्न का बी विकल्प सही है। आइए देखते हैं पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न, अंग अंग नग जग मगत, मगत होना चाहिए यहाँ, अंग अंग नग जग मगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूँ रहे बढ़ो उजारोगे। अंग अंग नग जग मगत दीप सिखासी देह, दीप सिखासी देह,
दिया बढ़ाए हूँ रहे, बढ़ो उजियारो गेह। पंक्तियों में बिहारी लाल की पंक्तियाँ हैं, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऊपर रस पूछा गया था बिहारी लाल की पंक्तियों में, इन पंक्तियों में अलंकार पूछा गया है, तो कौन सा अलंकार है? पहले हम इसका अर्थ समझें, अर्थ समझेंगे तब हमें अलंकार समझ में आ जाएगा। वैसे दिखाई भी दे रहा है दीप से खासी देह में उपमा अलंकार है। अंग अंग नग जग मगत, अंग अंग नग जग मगत दीप शिखासी देह। बिहारी लाल कहते हैं कि नायिका के अंगों की आभा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, लिखते हैं कि नायिका ने अपने प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण धारण कर रखे हैं, दीप शिखा के समान उसके अंगों की आभा रत्नों में झलकती हुई सारे कक्ष में फैली हुई है, सारे कमरे में उसके अंगों में जो रत्न लगे हुए हैं उनका प्रकाश फैला हुआ है, और यह प्रकाश इतना अधिक है कि दीपक बुझा देने पर भी कक्ष पूरी तरह से जगमगाता रहता है। अर्थात जिस कमरे में नायिका है उस कमरे में दीपक को बुझा देने पर भी रात में भी पूरा कमरा जगमगाता रहता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर के अंगों पर इस प्रकार के नग धारण कर रखे हैं जो पूरे कमरे में प्रकाश फैलाए हुए हैं। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, अलंकार इन पंक्तियों में पुनरुक्त प्रकाश और उपमा अलंकार है। यहाँ उपमा अलंकार चौथे विकल्प में दिया गया है, डी विकल्प सही है इसका। कौन सा विकल्प सही है? डी। अंग अंग नग जग मगत दीप शिखासी देह और दिया बढ़ाए हूँ रहे बड़े उजार्यो गेह। दीप शिखा, दीप शिखा से उपमा दी गई है शरीर की। दीप शिखा से काय की उपमा दी गई है? शरीर की। दीप शिखा का मतलब होता है, दीप का अर्थ होता है दीपक और शिखा का अर्थ होता है लौ। जैसे दीपक की लौ होती है प्रकाश देती है, वैसे ही नायिका का शरीर प्रकाश दे रहा है, शरीर पर धारण किए हुए नग प्रकाश दे रहे हैं। यहाँ बिहारी लाल ने कालिदास का अनुसरण किया है, कालिदास ने भी इंदुमती को संचारिणी दीपशिखा कहा है, तो यहाँ इन्होंने कालिदास का अनुसरण किया है और दीपशिखा से उपमा दी गई है शरीर की, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार। पांचवें प्रश्न का डी विकल्प सही। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक छंद पूछा गया है, विषम मात्रिक छंद दोहा चौपाई सोरठा कुंडलिया। दोहा और सोरठा दोनों अर्ध सममात्रिक हैं। कैसे? अर्ध सममात्रिक। अर्ध सममात्रिक छंद वे होते हैं जिनके पहले और तीसरे चरण में एवं दूसरे और चौथे चरण में बराबर बराबर मात्राएं होती हैं, तो दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक हैं। जिसके चारों चरण में समान मात्राएं हों उसे समचरण सममात्रिक छंद कहते हैं, तो चौपाई सममात्रिक है, दोहा और सोरठा अर्ध सममात्रिक हैं, कुंडलिया ये विकल्प सही है, कुंडलिया विषम मात्रिक छंद है। विषम मात्रिक का मतलब होता है जिसमें चार से अधिक तो चरण होते हैं और चरणों में मात्राएं कम ज़्यादा होती हैं, एक समान नहीं होती हैं, तो कुंडलिया और छप्पे ऐसे छंद हैं जो विषम मात्रिक होते हैं। छठे प्रश्न का डी विकल्प सही है। आइए देखते हैं सातवां प्रश्न, सातवां प्रश्न है सही अर्थ चुने। आध्य और व्याध्य का सही अर्थ पूछा है, आध्य और व्याध्य का सही अर्थ पूछा है। आध्य और व्याध्य, आध्य का अर्थ क्या होता है और व्याध्य का अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है, तो आध्य और व्याध्य का अर्थ चिंता और शोक नहीं, सुख और दुख नहीं, बीमारी और आनंद नहीं। डी विकल्प सही है। आध्य और व्याध्य का अर्थ क्या होता है? आध्य का अर्थ होता है, आध्य का अर्थ होता है, थोड़ा सा गलत प्रिंट है यहाँ, मानसिक पीड़ा। आध्य का अर्थ क्या होता है? मानसिक पीड़ा। यदि किसी को मानसिक पीड़ा है तो उसे कहेंगे आध्य। और व्याध्य का अर्थ होता है रोग। क्या होता है? रोग या पीड़ा या शारीरिक पीड़ा। शारीरिक पीड़ा को व्याध्य और मानसिक पीड़ा को आध्य कहते हैं। डी विकल्प यहाँ पर सही है, थोड़ा सा गलत प्रिंट है, डी विकल्प सही है सातवें प्रश्न का। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न,
मंत्र फूंकना, मंत्र फूंकना का अर्थ है सफल युक्ति का प्रयोग करना, बुद्धि नष्ट करना, अकड़कर बोलना, चुगली करना। आठवें प्रश्न का ए विकल्प सही है, सफल युक्ति का प्रयोग करना। मंत्र फूंकना मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ होता है सफल युक्ति का प्रयोग करना। आप किसी पर कोई युक्ति चला रहे हैं, आप मंत्र फूंक रहे हैं, अर्थात आप जो काम चाह रहे हैं वही काम हो रहा है, तो आप कह देते हैं कि मंत्र फूंकना। मंत्र फूंकना का अर्थ सफल युक्ति का प्रयोग करना, ए विकल्प सही है आठवें प्रश्न का। नौवां प्रश्न देखते हैं, पानी पानी होना, ये भी मुहावरा है। पानी पानी होना का अर्थ क्या है? पानी में सराबोर हो जाना, शर्मिंदगी अनुभव होना, आंसू आना, बहुत पानी पी लेना। तो नौवें प्रश्न का बी विकल्प सही है, शर्मिंदगी महसूस होना। पानी पानी होना, शर्मिंदगी, यदि शर्मिंदा होता है कोई व्यक्ति तब कहा जाता है कि वह पानी पानी हो गया। नौवें का बी विकल्प सही है। दसवां आत्मन, आत्मन शब्द का पूछा गया है, कौन सी विभक्ति का है, कौन से वचन का है? तृतीय द्विवचन, पंचमी बहुवचन, सप्तमी एकवचन, षष्ठी बहुवचन। तो आत्मन शब्द सी विकल्प सही है, सप्तमी एकवचन का है, काय का है? सप्तमी एकवचन का। अगला प्रश्न देखते हैं, ग्यारहवां प्रश्न है, यथारुचि में समास है, समास पूछा गया है, यथारुचि में समास है, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्यय भाव, कर्मधारय। तो यथारुचि में अव्यय भाव समास है। अव्यय भाव समास वहाँ होता है जहाँ अव्यय न हो और पूरा शब्द अव्यय की भांति प्रयुक्त हो, अर्थात अव्यय बन जाए। यथा अव्यय है और रुचि इसके साथ जुड़कर पूरा शब्द अव्यय की भांति प्रयोग होने लगा है, इसलिए यहाँ पर अव्यय भाव समास है। तो ग्यारहवें प्रश्न का सी विकल्प सही है। आज की एकादशी पूर्ण हुई। एकादशी आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। आज की एकादशी में इतना ही। राधे राधे।